Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, रामानंद सागर 2005 में इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते वह रामायण के रूप में ऐसी अनमोल और खूबसूरत सौगात दे गए जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। जब जब टीवी की रामायण की बात होगी तो रामानंद सागर को शिद्दत से याद किया जाएगा। रामानंद सागर ने हिट रामायण तो बनाई ही, उसके कलाकारों को भी जिंदगी भर की पहचान दिला गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर ने रामायण का सिर्फ निर्माण और निर्देशन ही नहीं बल्कि उसमें एक्टिंग भी की थी। बताया जाता है कि रामानंद सागर धार्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान राम के भक्त भी। रामायण का निर्माण भी दैवीय शक्तियों के प्रभाव स्वरूप ही बताया जाता है। यही कारण था कि रामानंद सागर को जब भगवान राम का गुणगान करने का मौका मिला तो उन्होंने भी अभिनेता का चोला पहन लिया। रामायण में जब भगवान शिव से लेकर सभी देवी देवता और प्रजा भगवान राम और सीता का गुणगान करते हैं और गीत गाते हैं तो उसी सीन के लिए रामानंद सागर ने भी गेटअप लिया और राम सीता का गुणगान किया। यह सीन उस वक्त का है जब राम सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी वापस लौटते हैं और धूमधाम से राम का राज्याभिषेक किया जाता है। इसी सीन में रामानंद सागर का भी एक छोटा सा रोल था, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे।